एक तरफ जिला नैनीताल में डेंगू ने अपने पांव पसारना शुरू कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर कालाजुंगी में भी डेंगू ने दस्तक दी है। कालाजुंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कालाजुंगी अस्पताल में बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या ज्यादा है। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुधीर कन्याल का कहना है कि अभी तक कुल 20 मरीज डेंगू के कालाजुंगी स्वास्थ्य केंद्र में मिले हैं, जिनका इलाज कालाजुंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। वहीं कुछ मरीज सही होकर जा चुके हैं। डॉक्टर कन्याल ने जनता से अपील की है कि डेंगू से बचने के लिए लोग अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें और गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि गंदे पानी में ही डेंगू का मच्छर पनपता है। कालाजुंगी से मुकेश छिमवाल की रिपोर्ट। कालाजुंगी सीएससी में 18-20 केस जो है डेंगू के आ चुके हैं अभी तक, और सभी यही ठीक हुए। हमने नहीं उनको एडमिट भी किया है, बाहर उनको किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं पड़ी, रेफर नहीं किया है। रोज कितने केस आ रहे हैं सर? रोज ऐसा नहीं है, कभी कभी आ रहे हैं, रोज पर डे केस आ रहे हैं ऐसा नहीं है, कभी एक दो भी आ जा रहे हैं तो कभी नहीं भी आ रहे हैं। डेंगू के बचाव के मेन लक्षण ये है कि आपको जो है मच्छरों से बचाव करना है, फुल बहा के कपड़े पहनने हैं। डेंगू का मच्छर जो है लाइट उजाले में ही काटता है, घर के आसपास पानी वानी नहीं होना चाहिए, साफ सफाई रखिए। और अगर फीवर होता है, तेज सर दर्द होता है, उल्टी होती है, जोड़ों में दर्द होता है, तो आप तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाएं, यही इसके ऊपर है।